नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है ईपीएफ और ईएसआईसी को लेकर। 16/6/2022 की ये ताज़ा खबर है साथियों, पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहे, क्योंकि बहुत से लेटर और इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर डालता हूँ साथियों जो आपके काम के होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे पहले ये देख लीजिए साथियों, मैंने ये 10 तारीख को ही आपको बात बता दी थी कि अब आपकी ईपीएफ और ईएसआईसी आने वाला है। ये वीडियो मैंने 10 तारीख को ही बना दी थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब सैलरी के बाद क्या आएगा, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं साथियों, जो मैंने आपको पहले ही अंदेशा दे दिया था। और आज लेटर भी आ गया है, वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये वाला लेटर है, सभी डिपार्टमेंटों को ये लेटर लिख दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑल डिपार्टमेंटों को लिख दिया गया है। ये देख लीजिएगा साथियों, 16 तारीख का लेटर है, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ईपीएफ ईएसआईसी ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑन हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हरियाणा के द्वारा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि जो आपको मैन पावर दे रहा है, उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में बहुत से यानी कि एक मैन पावर को इकट्ठा किया है साथियों, ठीक है, जो गवर्नमेंट हरियाणा के एजेंसी है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमने एक आईटी पोर्टल निगम के द्वारा डीएम बनाया गया था, तो उस टाइम पे हमने रिक्वायर्ड किया था कि ईपीएफ और ईएसआईसी डाटा जो है वो ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एम्प्लॉयड थ्रो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यानी कि उसकी जो साइट बनाई गई थी तो उस पर ये मैंडेटरी था, यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो डाटा हैज़ ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड थ्रो वेरियस वेबिनार्स कंडक्ट, यानी कि हमने वेबिनार भी बनाए थे, यानी कि जो इन्होंने मीटिंग ली थी साथी वो वाली बता रहे हैं ये, कि निगम के थ्रू बहुत सी मीटिंग भी ली गई थी और उसमें ये बताया गया था कि जो भी कंडीशन इन्होंने फॉरम फील में बताई गई है, जो भी कॉलम है वो सारे आपको फील करने हैं, उसमें बिना फील करें कोई भी गलत चीज़ ना डालें। तो इट हैज़ बीन नोटिस मोस्ट द डिपार्टमेंट्स हैव नॉट अपलोडेड, यानी कि फिर भी डिपार्टमेंटों ने इस नोटिस को यानी कि पूरा नहीं किया उन्होंने, एंड रिक्विजिट डाटा इनटू पोर्टल, यानी कि फिर भी इन्होंने डाटा अपलोड नहीं किया अच्छे से, बहुत सी गलतियां कर रखी हैं डिपार्टमेंट वालों ने साथियों, क्योंकि किसी का ईपीएफ नंबर कोई गलत डाल दिया, किसी के ईपीएफ में नंबर में किसी का ईएसआईसी नहीं डाला, किसी का ईपीएफ नहीं डाला, तो बहुत सी ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो एज इट इज़ वेल नाउन फैक्ट, ये बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है, ईपीएफ ईएसआईसी कंप्लेंसेंस है, यानी कि रिक्वायरमेंट है, ये तो हर किसी के पास होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को सबसे पहले तो ईपीएफ और ईएसआईसी बनवाना चाहिए हर कर्मचारी का साथियों। विथआउट दिस डाटा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट विथ द रेगुलरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रेगुलेटरी है साथियों, क्योंकि बहुत से साथी फिर बाद में कह देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में लेटर पढ़ देते हैं ना साथियों, तो इसी वजह से बोलने में थोड़ी वो हो जाती है साथियों कि वर्ड को क्या, अगर हम एक एक वर्ड पढ़े ना साथियों, एक एक ये रिक्विजिट दे दिया, ये डाटा, ये ऑन टू द पोर्टल, साथियों आपका टाइम ख़राब होता है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं साथियों। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आपको इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको मैन मैन पॉइंट बताने होते हैं साथियों। अब मैं क्या बताऊँ कि कुछ साथी कह देते हैं कि यार आपने ये वर्ड गलत बोल दिया, अब ये रिक्वायरमेंट है साथियों, इसको जल्दी जल्दी में क्या पता हम क्या बोलते, लेकिन आपको हिंदी तो समझ में आ जाती है ना साथियों, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम, बाकी आप खुद भी समझदार है साथियों, ऐसी बात नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको हिंट दे देते हैं साथियों, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हम अक्षमा चाहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबली टू मीट विथ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू वेज प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो निगम टू लिंक द सैड डाटा, और आप दोबारा से उस प्रॉब्लम को यानी कि फेस्ड करिए और निगम को जो डाटा है एच के रन उसके पास अपडेट करिए। इट इज़ देयर फॉर एडवाइज टू सबमिट द करेक्ट डिटेल, यानी कि आपको दोबारा से हम ये बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप वो उस डिटेल को ठीक करिए, जो ई पी एफ और जो ई एस आई सी डाटा फॉर द ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर इन यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने अपने डिपार्टमेंटों में जो भी आपने मैन पावर ली है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो उनका ई पी एफ और ई एस आई सी डाटा अगर नहीं है तो उसका मनवाइए, और अगर है तो उसका सही से उसमें फिल करिए। एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी ऑन निगम्स पोर्टल, और निगम के पोर्टल पर,
शो दैट दीज अकाउंट्स कैन बी प्रोसेस्ड फॉर मेकिंग नेसेसरी कंप्लेंस इन टाइम बाउंड मैनर। यानी कि ये टाइम से पहले पहले इस पर पूरा से पूरा नेसेसरी एक्शन लिया जाए और उनका जल्दी से जल्दी जो भी अकाउंट है उनके जल्दी से जल्दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो साइट है साथी उसके ऊपर करेक्ट फिल कर दीजिए जी, जिसकी भी गलती है, और हम इसमें जल्दी से जल्दी उनका अकाउंटों में पैसे डालने वाले हैं जो EPFRA SIC का है। तो मैं आपको ये बात 10 तारीख को ही बता चुका था कि अभी इनके EPFRA SIC पे काम जोरों पे चल पड़ा है, तो अभी इनके नए बनाए जाएंगे, और जिसका नहीं है तो, और अगर है उसके तो अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसी में उसका ऐड हो जाएगा। तो साथियों आप तक ये की इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, ये नया लेटर आ चुका है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पे लेके आते हैं जो सच्ची होती है और आपके काम की होती है साथियों, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हो आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।